नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट बिहार होगा। मोदी नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुर सिखाएंगे। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार बीजेपी के 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की तैयारी की है। कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से शिशिर चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, नीतीश कुमार भी ध्यान देंगे इस ओर कि आखिर नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं क्या, लेकिन ये कार्यक्रम आयोजित कब किया जाएगा, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? जी बिल्कुल चित्रा, कल जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है दिल्ली में, निर्णय लिया गया है कि जो हाईटेक तरीका है आज की डेट में या सोशल नेटवर्किंग से जुड़ने का, जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, एक युवा खास वर्ग जो नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित हो रहा है, उनको किस तरीके से लाया जाए। साथ ही जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी सुबह हमारी बात हुई है प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे से, उन्होंने पुष्टि की है कि इसको कल किया जाएगा और इसकी सारी सूचना वो भी एकत्रित करने में लगे हुए हैं, जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिर कितने बजे और किस तरीके से होगा और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने लोग जुड़ेंगे। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जो भी जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही कुछ जो अहम कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा मंडल के लोग हैं, उन लोगों से भी संपर्क करेंगे नरेंद्र मोदी और साथ ही आह्वान करेंगे कि लोकसभा 2014 को किस तरीके से जीता जाए, कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन एक छोटा सा जवाब शिशिर आपसे चाहेंगे, खुद बिहार ना जाकर इस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, इसके क्या मायने निकाले जाए? चित्र देखिए, हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी को आने का न्योता दिया गया था, नरेंद्र मोदी आएंगे भी, लेकिन उससे पहले वो अपना तरीका सुधार रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, इसको पहले शुरू करना चाह रहे हैं ताकि इसका कितना लाभ मिलता है और किस तरीके से लोगों से वो जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, उसको वो ट्राई कर रहे हैं। हालांकि उनको अभी जो बिहार आने का समय तय किया गया था चित्रा, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि हुंकार रैली में वो आएंगे बिहार में और वहां से हुंकार भरेंगे, वो इससे पहले वो चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं से वो जुड़े, सबसे बात करें ताकि एक सामंजस्य की स्थिति बैठाई जा सके और लोगों को कंफर्टेबल लेवल में लाया जा सके, सामंजस्य की स्थिति बनाई जा सके, बल्कि खुद की भी जमीन वहां पर देखी जा सके कि स्थिति है क्या, उसके बाद ही बिहार पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। फिलहाल के